इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लगता है कि ये एक तो रेशनल फंक्शन है, वो भी आपका क्या है, प्रॉपर है। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि नीचे का डिग्री जो है, मतलब डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा है ना। नीचे 4 डिग्री, सॉरी नीचे 3 डिग्री, ऊपर 1 डिग्री की एक्सप्रेशन है। दूसरी चीज़ कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे एक लीनियर फैक्टर इन्वॉल्व है और एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये फैक्टराइजेबल है। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 आएगा, है ना। मतलब ये फैक्टराइज किया जा सकता है, और फैक्टर आपको दिखने चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। मतलब इट कुड बी रिटेन एज ए 2x-3 अपॉन ए प्लस बी, मतलब x+1, x-1 और 2x+3। तो आपको ये नजर, देर आर 3 लीनियर फैक्टर्स। इसका मतलब कि जो भी ये रेशनल फंक्शन है, इट कुड बी ब्रोकन इंटू 3 सिंपलर फ्रैक्शन। द प्रोसेस इज नोन एज ए पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे करते हैं? ए अपॉन सारे लीनियर फैक्टर को कुछ कांस्टेंट अपन एज्यूम कर लेते हैं, है ना, बी अपॉन x-1 और प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा, 2x+3 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। उसके लिए हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं, कैसे निकालते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। आपको शुरू वाले क्वेश्चन में हमने डील किया है, अगर आपको प्रॉपर तरीका जानना है तो शुरू के 2-3 क्वेश्चन रिफ़र कर लीजिए, है ना, वहाँ से आपको प्रॉपर तरीका मिल जाएगा। और ये भी तरीका आपको हार्म नहीं करेगा, जल्दी आएगा। खैर, ए के नीचे x+1 है, 0 प्लेस करते हैं x+1 को, वी गेट द वैल्यू ऑफ x=-1, है ना। और यहाँ पर x+1 जो इसका डिनोमेटर था उसको हाइड कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -1 रख देते हैं। तो 2 × -1 मतलब -2 -3 ओवर -1 -1 -2 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट -2 + 3 मतलब +1 कितना आ जाएगा आपका, -5 / -2 मतलब 5/2 आ गया ए की वैल्यू। सिमिलरली बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फिर इसके नीचे x-1 है, 0 प्लेस करते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ x=1। यहाँ x-1 को हाइड करके एक्स की वैल्यू 1 रख दें, कितना आ जाएगा, 2 × 1। तो 2 - 3 - 1 / 1 + 1 = 2, और इस ब्रैकेट वैल्यू 5 हो जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू -1/10 हो जाएगा, है ना। सी की वैल्यू कितना आएगा, तो क्या रखा जाए, 2x + 3 = 0, एक्स की वैल्यू आ गई -3/2। यहाँ पे इसको हाइड करके -3/2 रख दीजिए, तो 2 × -3/2 -3 ओवर -3/2 और +1, दूसरी ब्रैकेट -3/2 और -1 क्या आ जाएगा, 2 × 2 कटा -6 आ गया, ऊपर से नीचे -1/2 ये ब्रैकेट आ गई, दूसरी ब्रैकेट भी आपकी -5/2 आ गई। नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, माइनस गायब हो गया नीचे से, और 5/4 ऊपर जाएगा, तो -24/ क्या हो गया, 5 हो गया, ये सी की वैल्यू हो गई। अब ए बी सी की वैल्यू हम लोग वापस रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन आप नीचे प्रोसीड करोगे, हमारे पास नीचे तो स्पेस है नहीं, है ना, आपकी कॉपी में स्पेस होगा हमेशा। तो ए की वैल्यू हम लोग यहाँ प्लेस कर देते हैं 5/2, बी की वैल्यू प्लेस कर देते हैं -1/10, और सी की वैल्यू प्लेस कर देते हैं -24/5। ठीक है, अब क्या कर दिया जाए, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इसको इंटीग्रेट करना, है ना, और इसको इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि इन तीनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना, और ये आखिरी वाला ऑप्शन ज़्यादा आसान है, है ना, सब इक्वलेंट है। तो अब 3 लीनियर फैक्टर को इंटीग्रेट करना है dx, क्या किया जाए, ये प्रोसेस हटा दे रहे हैं, आपकी कॉपी में तो रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका, 5/2 बाहर ले लीजिए, 1/x + 1 dx, -1/10 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx, एंड -24/5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 dx। अब 3 लीनियर फैक्टर्स है ना, 1/linear factor का log ऑफ मॉड लीनियर फैक्टर होता है, तो फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए आप, दैट इज log ऑफ मॉड x+1 -1/10 log ऑफ मॉड x-1 -24/5 log ऑफ
मॉड 2x प्लस 3 पार्ट। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 था तो यहाँ हमने डिवाइड नहीं किया, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 था कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो वहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपॉन 2 और प्लस 1 इनडेफिनिट कांस्टेंट c हो गया। ये 2 इस 24 से कैंसिल कर देंगे 12 आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर क्या हो गया आपका, दैट इज 12/5, तो दैट इज योर फाइनल आंसर।